सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक जो शायद आपने पहले कभी नहीं पी होगी। तो यहाँ मैंने ली है अदरक, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब एक स्पून की हेल्प से हम इसकी स्किन को रिमूव करेंगे। जी हाँ, अदरक को आप नाइफ की बजाय अगर इस तरह से चम्मच से उसकी स्किन को निकालेंगे तो वो बहुत आसानी से होगी और स्किन भी उसकी पतली निकलेगी। तो सबको आप अच्छे से पील करके साफ करें। यहाँ अब आप देखिए, मैंने इसको क्लीन करके वॉश कर लिया है। अब हम इसको रफली चॉप करेंगे। कुछ लोग इस रेसिपी के लिए जिंजर को ग्रेट करते हैं बट उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम इसको ग्राइंड करेंगे क्योंकि मेरी लगातार कोशिश रहती है आपके लिए रेसिपीज़ को सिंपल बनाऊं। तो ये रफली चॉप हमारे लिए परफेक्ट है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें सारी चॉप्ड जिंजर और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि इसकी एक फाइन कंसिस्टेंसी आए। तो आप देखें, यहाँ हमने ग्राइंड करके इसको रेडी कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ अब एक पैन में हम डालेंगे हमारी सारी प्योरेड जिंजर, उसी के साथ पानी। तो अगर यहाँ पे मैं आपको रेशियो समझाऊं तो 1 कप जिंजर के लिए हम 2 कप पानी लेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी और चीनी हमने ली है 1 कप। तो आपको बहुत इजी रहेगा इसे याद करना, 1 कप अदरक, 1 कप चीनी और 2 कप पानी। अब आप इसको अच्छे से मिलाएं। हमें इसे मीडियम हीट पे पकाना है और इसको रिड्यूस करना है 3/4 होने तक। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे डालूंगी लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट यानी लेमन के जो ऊपर का जो छिलका होता है वो, आप इसको बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं करें क्योंकि हम नहीं चाहते जो लेमन का वाइट वाला हिस्सा है वो आए क्योंकि वो कड़वा होता है। तो ये जेस्ट बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा आपकी इस डिलिशियस एंड रिफ्रेशिंग जिंजर ड्रिंक को। तो इसको अब आप पकाएं 7 से 8 मिनट तक। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ इतना कुक करना है ताकि ये 3/4 तक हो जाए। तो अब आप देखें, मैंने इसे 10 मिनट तक पका लिया है। इसका कलर भी काफ़ी डार्क हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो काफ़ी थिक हो गई है। चाशनी हमें इसकी नहीं बनानी, तो आपको वो भी 1 तार की 2 तार की चाशनी का झंझट नहीं रहेगा। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसको हम ढक के 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अब 10 मिनट बाद आप इसको छान लें। छानना ज़रूरी है क्योंकि जिंजर के रेशे होते हैं, तो वो अगर जब आप अपनी ड्रिंक पियेंगे वो मुंह में आएंगे, वो अच्छे नहीं लगते। तो आप इसको अच्छे से छानें। आप चाहें तो इस पॉइंट पे लेमन जूस भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो आप देखें, धीरे धीरे अब ये हो रहा है। कुछ लोग इस लिक्विड को बना के उसके बाद इसको शुगर सिरप में बनाते हैं, तो मुझे वो बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। इसीलिए हमने जिंजर, शुगर, लेमन जेस्ट सबको एक साथ पकाया है। तो आप देखें, इसको अब आप डिस्कार्ड करें और ये अब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड जिंजर एल का जो मिक्सर है ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको एक बॉटल में रख के स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक रेफ्रिजरेटर में। अब मैं आपको दिखाऊंगी इससे ड्रिंक कैसे हम बनाएंगे। तो एक ग्लास में आप डालें कुछ आइस क्यूब्स, उसी के साथ मिंट के लीव्स, यहाँ मैं डाल रही हूँ लेमन स्लाइसेस, आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े टेबल स्पून हमारे कॉन्सेंट्रेटेड जिंजर एल के। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी शहद, ये बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगी। जी हाँ, जिंजर और शहद का फ्लेवर टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब आप डालें ठंडा ठंडा पानी या फिर आप सोडा भी डाल सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, बहुत हटके ड्रिंक है हमारी रेगुलर सोडा से कंपैरेटिवली। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। मैंने और भी बहुत सारी समर स्पेशल रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं ज़रूर मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें,
और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।